वेलकम टू EX सोलर पावर। जी फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताऊंगा कि आफ्टर इंस्टॉलेशन एक इन्वर्टर को कैसे सेफ रखा जाता है, एक कस्टमर की क्या जिम्मेदारी होती है कि अपने सिस्टम को सेफ रख सके। ये देखिए, ये फ्रोनस का 3.5 किलोवाट का इन्वर्टर है। ये इसकी लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड का एक फ़िल्टर है। ये देखिए, फ़िल्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डस्ट लगी हुई है। ये इसकी दूसरी साइड है, दूसरी साइड भी आप चेक कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डस्ट है फ़िल्टर के अंदर। और अभी हम अपने कस्टमर से ही इसको ओपन करके इन फ़िल्टर की क्लीनिंग वगैरह करवाएंगे, और इनकी बैटरी का भी आपने इसके पानी के लेवल का खुसूसी ध्यान रखना है कि पानी का लेवल भी बैटरी के अंदर कम नहीं होना चाहिए। जी ये देखिए, फ़िल्टर के ऊपर एक छोटा सा स्क्रू लगा होता है, इसको आपने स्क्रू ड्राइवर से ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने इसको हाथ से घुमाना है, हाथ से आपने घुमा के इस फ़िल्टर को आपने बाहर निकाल लेना। ये देखिए, काफ़ी ज़्यादा डस्ट लगी हुई है, इसको आपने पानी से क्लीन करना है। और फ्रेश हवा फ़िल्टर होकर इस जाली के थ्रू पूरे इन्वर्टर में सर्कुलेट करती है ताकि इन्वर्टर का टेम्परेचर मेंटेन हो सके। और अभी इस फ़िल्टर को आपने पानी से अच्छी तरह धोना है। और ये इस इन्वर्टर की दूसरी साइड है, इसको भी आपने स्क्रू ड्राइवर से लूज़ करना है सबसे पहले, उसके बाद आपने इसको भी हाथ से घुमा के खोल लेना है। जी फ्रेंड्स, ये देखें जी, अभी एक साइड का फ़िल्टर अच्छी तरह क्लीन हो चुका है। इसको हम अपनी करंट लोकेशन पे लगा देते हैं। जी फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, हमारे चैनल ITS को सब्सक्राइब करें और साथ बेल वाले बटन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलें जी दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।